हेलो जैगुआर्स, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे जैगुआर्स के। व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। और मेरे बाल हो रहे हैं जंगली क्योंकि मैं भी हूं जंगली। चलो मजाक की बात अलग है। अभी टाइम मिल रहा है रात के 2:30 बजे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का। सो मैं अपने घर के कपड़ों में आ चुका हूँ और मैंने सोचा सोना है, बट मैंने सोचा नहीं यार, बच्चे मेरे लेक्चर का वेट कर रहे होंगे, तो आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा चलो रात में ही शूट करेंगे। ओके, तो गाइस पिछला लेक्चर जहां तक मुझे यहां पर दिख रहा है, हम लोगों ने सेल कांस्टेंट और हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, किस प्रकार आप व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके आप लोग बढ़िया तरीके से आप लोग कंडक्टिविटी, मोलैरिटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। देखो सीधी सी बात है, दो चीजें, एक आपका कंडक्टिविटी, एक छोटी सी बात आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, एक छोटी सी चीज आपकी कंडक्टिविटी। याद करो मैंने आपको कंडक्टिविटी के बारे में पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया था। आइए हम लोग हमारी स्लाइड्स को बैक करें और हम लोग यहां पर हमारे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की तरफ चलें। क्या आप सभी को याद आया कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा? कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या मैं कंडक्टिविटी के बारे में यह समझ लूं कि एक पर्टिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पास में वो कितनी पावर या वो कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने आर पार करंट को फ्लो करवा सकता है। मतलब यहां पर कंडक्टिविटी में पर सेंटीमीटर आने का मतलब है आपके पास में पर वॉल्यूम आ गया। मतलब आपके पास में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक इस प्रकार का क्यूब रख दिया, तो इस एक क्यूब के इधर से इधर करंट को फ्लो होने के लिए बेसिकली कितने ओम्स करंट पास करना पड़ेगा, कितने ओम्स उसको लगेंगे। सो दैट इज योर कंडक्टिविटी। तो मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। तो कंडक्टिविटी का आप सभी लोगों को मतलब पता है। नाउ जब मैं कंडक्टिविटी की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। अगर आप कंडक्टिविटी को डिक्रीज होते हुए देख रहे हो तो क्यों देख रहे होगे? सो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विथ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी अगर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो आपकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो आपके कंडक्टिविटी का खेल हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर इसका मुझे रीजन बताइए कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो बेटा कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? कंडक्टिविटी विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस। आपके जितने आयंस होंगे उतनी आपकी कंडक्टिविटी होगी। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, इमेजिन करो तुम्हारी स्कूल में चार ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जो जिनके पेट में बात ही नहीं टिकती। अब उन्हें पड़ गया मालूम कि आपका बाबू और सोना है और आपके बाबू सोना के बारे में इन चार लोगों को मालूम पड़ गया, तो ये चार लोग और दूसरे चार को,
फिर वो चार दूसरे चार को, तो चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64, तुम्हारी बात आग की तरह फैलेगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी क्लास में केवल एक ही ऐसा बंदा है जिसके पेट में बात नहीं टिकती और उसे मालूम पड़ गया कि तुम्हारा कोई बाबू सोना है, तो वो इस चीज को कैसे फैलाएगा? वो एक दूसरे को बताएगा, तो एक से दो होंगे, फिर दो से चार होंगे, फिर चार से आठ, फिर आठ से सोलह, फिर मतलब टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में फ्री आयन अवेलेबल है लेकिन उसकी मात्रा कम है। अगर चार लोग बिल्कुल फ्री हैं, इधर की उधर बात करने के लिए रेडी है, तो चार लोग जल्दी पहुंचाएंगे। आठ लोग होंगे तो और आग की तरह फैलेगी, सोलह लोग होंगे तो और आग की तरह फैलेगी। लेकिन अगर एक ही हुआ तो वो एक से दो, फिर उससे दो को, फिर उससे आगे चार को, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंडक्टिविटी आपके नंबर ऑफ आयन्स पर अवे डिपेंड करती है, वो भी नंबर ऑफ फ्री आयन्स पर। जितने ज्यादा फ्री आयन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी कप्पा का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, जी यानी आपका कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय आपके लेंथ, यानी आपके जो दो इलेक्ट्रोड आपने डाल रखे हैं कंडक्टिविटी सेल में, जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की लंबाई, डिवाइडेड बाय उनका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ आयन्स पर डिपेंड करेगी। लेकिन सर आपने टॉपिक में तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया, तो सर काम की बात करो ना, बकवास क्यों पेल रहे हो। तो कंडक्टिविटी समझने के बाद अब हम लोग जरा चलते हैं हमारी मोलर कंडक्टिविटी की तरफ, कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी यानी आपका लैम्डा एम या डेल्टा एम, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो बेटा यहां पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, नो डाउट ये नंबर ऑफ आयन्स पर तो डिपेंड करेगा, नो डाउट ये नंबर ऑफ आयन्स पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको एक काम करता हूं, पहले इसका स्टेटमेंट ही लिखवा देता हूं, मैं आपको इसका स्टेटमेंट ही लिखवा देता हूं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, दैट योर मोलर कंडक्टिविटी, स्टेटमेंट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी बोले तो आपका लैम्डा एम विल इंक्रीज विथ द डिक्रीज इन नंबर या विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया, यहां तो उल्टा केस हो गया। अरे 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 ऐसा कैसे हो गया कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन के कम होने पर, यार ऐसा कैसे हो गया? समझो मेरी बात को, भटकना मत आधी रात को। जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी है, इमेजिन करो आपके पास में अभी एक कमरा है, इस कमरे में मैंने एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ लोग, आठ पागल कुत्ते छोड़ दिए इस एक कमरे में, मैंने आठ पागल कुत्ते छोड़ दिए। अब ये पागल कुत्ते भागेंगे करके, तो कभी ये दीवार से टकराएंगे, कभी ये आपस में टकराएंगे, कभी ये वापस आपस में टकराएंगे, कभी ये इधर टकराएंगे, कभी ये उधर टकराएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास में स्पेस कम है, अभी इनको मैंने छोटे से कमरे में रखा हुआ है। लेकिन इमेजिन करो अगर मैं इन्हें एक बहुत बड़े कमरे में रख दूं, या एक बहुत बड़े खाली मैदान में, मैं इन आठ पागल कुत्तों को अगर मैं इधर छोड़ दूं, तो गाइस अब आप मुझे बताओ व्हाट विल बी देयर चांसेस ऑफ कोलिजन, इनके आपस में टकराने के चांसेस कितने होंगे? कम होंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि तुमको मैंने एक केटीएम दिला दी, बीइंग छपरी, यस आई एम अ छपरी, यू आर ऑल्सो अ छपरी, वी ऑल आर बॉर्न छपरीज, सो बॉर्न छपरी का ट्रेडमार्क गाड़ी मैंने तुमको केटीएम दिला दी। अब मैंने बोला कि एक काम करो, केटीएम पे तुम्हारी मम्मी को बिठाओ और जाओ मार्केट से सब्जी खरीद के लाओ, तो क्या तुम केटीएम को करके स्पीड में सब्जी मार्केट में चला पाओगे? नहीं सर, वहां भीड़ बहुत है, हमारे पास में गाड़ी को दौड़ाने की जगह नहीं है। लेकिन अगर वही केटीएम पर तुम तुम्हारे बाबू सोना को लेकर अगर हाईवे पर निकल गए, तो बस जॉन इब्राहिम की छठी औलाद तुम ही रहोगे, यू विल बी द छठी औलाद ऑफ जॉन इब्राहिम। आप लोग धूम मचा ले ऐसे आप गाड़ी दौड़ाओगे, सर करके आप गाड़ी घुमाओगे। क्यों? स्पेस ही स्पेस है। सेम चीज मोलर कंडक्टिविटी में होती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आपके
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी की कंडक्टिविटी इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपने ये जो मोलर कंडक्टिविटी में आपने ये जो वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है या आपने ये जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसे कहां रखा है। तुम अगर किसी लड़की से शादी कर रहे हो तो वो लड़की को झोपड़े में रखोगे तो थोड़ी कम खुश होगी, चार दिन बोलेगी कि मैं तो नमक से रोटी खा के तुम्हारे साथ बाबू जिंदगी बिता लूंगी, चार दिन में लात मारना चालू कर देगी क्योंकि छोटे घर में है। लेकिन अगर बहुत बड़ा घर हो जाए तो आलिशान मैं तो यहां की गंगूबाई हूं, रानी हूं, ऐसे बन के रहने लग जाएगी। लड़का भी यही बोलेगा। अगर कोई लड़की जिसके वो मूवीज में दिखाते ना उसके पापा का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है तो लड़का लड़की के पीछे पड़ जाता है, अरे मेरी से शादी हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, लाइफ फिर आराम से सेट। लेकिन अगर मान लो लड़की गरीब है तो लड़का चार बार सोचता है शादी करने में, अरे यार से शादी करूं कि नहीं, समझ रहे हो। वही चीज यहां पर भी हो रही है, सेम फंडा है। अगर तुमने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया लेकिन अगर तुमने उसको फ्री मूवमेंट के लिए वॉल्यूम ही नहीं दिया, इमेजिन करो तुमने एक मोल नमक ले लिया, आपने एक मोल NaCl ले लिया और आपने उसको 100 ml पानी के अंदर डाल दिया, 100 ml सॉल्यूशन, तो 100 ml सॉल्यूशन इतना है, उसमें आपके NaCl के इलेक्ट्रोलाइट्स कहां मूव कर पाएंगे, बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे, जगह ही नहीं है। तो व्हेन देयर इज नो फ्री मूवमेंट मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर तुमने उसको 10,000 ml सॉल्यूशन में डाल दिया तो अब तो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया, तो अब वो पार्टिकल्स तो अभी भी एक मोल ही है, पार्टिकल्स तो अभी भी एक मोल है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो फ्री स्पेस बढ़ गई, तो नाउ दे विल मूव, दे विल मूव वेरी इजीली और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा बेटर तरीके से कंडक्टिविटी होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पर हम इसका रीजन क्या डालेंगे, वॉट विल बी द रीजन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहां पर बोलेंगे दैट With increase in volume, the concentration or the molarity, decreases. क्या ये बात तुम सब जानते हो? इमेजिन करो मैंने आपको 58.5 ग्राम NaCl दे दिया जिसका मोलर मास भी 58.5 ग्राम है, NaCl गिवन मास मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, मैंने तुमको यहां पर 100 ml ही सॉल्यूशन दिया है तो यहां पर तुम्हारी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर तुम्हारी मोलारिटी हो जाएगी 10 मोलर। लेकिन अगर मैंने वही 58.5 ग्राम NaCl को आप लोगों को 10,000 ml सॉल्यूशन में डलवा दिया तो अब ये 1/10 हो जाएगा यानी 0.1 मोलर। तो अब आप देखो यहां पर केवल और केवल मैंने वॉल्यूम चेंज करा है, तुम्हारे पास में जो गिवन मास जो है वो सेम है, यानी तुम्हारे पास में नमक के मोल्स सेम है, हमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने से आप देखो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया और जब आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो यानी जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, जब आप मोलारिटी को डिक्रीज कर रहे हो मतलब आप डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। और जब हम लोगों ने यहां पर वॉल्यूम बढ़ाया तो यहां पर क्या हुआ, विद इंक्रीज इन वॉल्यूम मोलारिटी डिक्रीजेस बट The free space, but the free space to move freely increases and therefore your molar conductivity increases. क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लाल तुमको समझ में आई कि नहीं? ओए बहुत बढ़िया, क्या मैं आगे बढ़ू? बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक चीज तो ये हो गई लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट तो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो दो प्रकार के होते हैं, हमने क्लास 11 इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे मालूम हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो अपने वॉटर में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाता है, मतलब अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड KCl के 10 मॉलिक्यूल लिए तो वो 10 के 10 मॉलिक्यूल पानी में जाने के बाद 10 K पॉजिटिव यानी 10 पोटेशियम आयन
और 10 Cl नेगेटिव आयन में बिखर जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका एसेटिक एसिड CH3COH, अगर आप उसके 10 मॉलिक्यूल लोगे और वाटर में डालोगे तो शायद एक या दो ही टूटेंगे, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, बाकी CH3COH जैसा बाहर था वैसा पानी में पड़ा रहेगा, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो यहां पर अगर मैं अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का प्लॉट बनाऊं, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी का अगर मैं प्लॉट बनाऊं दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हाट आई सी पता है कि एज सून एज वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई देगी, आई विल ऑब्जर्व अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इसको KCl के लिए कर रहा हूं तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। आप यहां पर खुद इस बात को चेक करो, आप इस बात को खुद चेक करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपनी आंखों से देखो मेरे भाई। जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब आप देखो आपकी यहां पर मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी, अब तुमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, अब तुमने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन और कम कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? एंड गाइस ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन के रिलेशनशिप में बढ़ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप में बढ़ रहा है। सर आपने यहां पर कंसंट्रेशन का अंडर रूट क्यों लिया? ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। ग्राफ में अगर आप डायरेक्टली सी ले लेते, जैसे मान लो आपके पास में सी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 100 है, तो ग्राफ में 100 प्लॉट करने जाओगे क्या? नहीं सर, मुश्किल है। लेकिन अगर मैं 100 का अंडर रूट ले लूंगा तो 10 आ जाएगा। सर 10 ग्राफ पे प्लॉट करना आसान है, इसलिए अंडर रूट ले लिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे की क्या है, और जो बायो वाले स्टूडेंट है वो अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं इन अलती वलती चीजों को लेके, वरना जो कॉन्सेप्ट होता है वो छूट जाता है। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अंडर रूट इसे ले ले रहा है ग्राफ में प्लॉट कर सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो गाइस यहां पर तो बड़ा अच्छा हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर आप लोगों को आपके इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आप इस ग्राफ से प्लॉट कर लो, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करनी है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो गाइस आप देखो y एक्सिस पर तुम्हारे क्या है, लेमडा m यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि भैया मैथमेटिकली सॉरी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली आ गई, यहां पर तुम्हारा खत्म हो गया। लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है? मैं मैथ्स लगा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर दूं कि मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो, या मैं इसे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दूं, मतलब मैं इतना डाइल्यूट कर दूं। मतलब पहले तुम लोग इमेजिन करो, मैंने इस ग्लास में, लस्सी के ग्लास में 1 मोल नमक डाला, फिर इस सॉल्यूशन को मैंने एक बाल्टी के अंदर डाल दिया, बाल्टी भर के पानी के अंदर, फिर उस बाल्टी भर के पानी को मैंने बाथ टब में डाल दिया, फिर उस बाथ टब के पानी को मैंने छत की टंकी में डाल दिया, और वो छत की टंकी के पानी को मैंने उठा के तालाब में डाल दिया। जब मैं तालाब में डालूंगा तो बेटा तालाब में इतना सारा पानी है कि उस उतने सारे पानी के मुकाबले हमारा 1 मोल नमक नेग्लिजिबल लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमने हमारे नमक को इतना डाइल्यूट कर दिया, ग्लास से बाल्टी, बाल्टी से टब, टब से छत की टंकी, छत की टंकी तालाब की, अब हमारा नमक का कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो लग रहा है। तो वो मैं ग्राफ को छोटा करते 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 और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये ग्राफ प्लॉट करते 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 जैसे ही मैंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया और एक्स्ट्रापोलेट करते 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 मेरे को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के यहां पर मुझे लेमडा एम नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपकी क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी, इसे बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, लेमडा एम नॉट या लेमडा एम के ऊपर इनफाइनाइट का सिंबल, इसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस बोलते हैं। यह मुझे कैसे मिला? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ का मतलब
हम आर्यभट्ट के बच्चे बनेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट हमारा यहीं पर खत्म हो गया था क्योंकि KCl को टेक्निकली लैब में यहीं तक डाइल्यूट करना हमारे लिए पॉसिबल था, लेकिन हमने फिर क्या करा, आइंस्टाइन और आर्यभट्ट बने, मैथमेटिशियन बने, और हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक केवल पेपर पर हमने सोचा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अब मान लो 1 से 0.1 करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी, 0.1 को 0.001 करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी बढ़ेगी, 0.00001 करेंगे तो कंडक्टिविटी यहां पहुंचेगी, 0.00000000001 करेंगे तो हमें अल्टीमेटली ग्राफ में यहां पर कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई। तो अब हम लोग यहां पर बिना किसी परेशानी के ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, वेयर लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। इस इक्वेशन से आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कभी भी कहीं भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम से निकाल सकते हो, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लैम्डा एम नॉट से निकाल सकते हो, ये इक्वेशन लगाकर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो अब क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को जैसे मैं डाइल्यूट करूंगा उसका मोलर कंडक्टिविटी कुछ इतना खास नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर एकदम से बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर एक अजीबोगरीब कर्व मिला, यहां पर मैं को कोई लीनियर लाइन नहीं मिल रही है कि मैं पता लगा पाऊं कि अगर मैं इतना कॉन्सेंट्रेशन रखूंगा तो इतनी मोलर कंडक्टिविटी होगी, इतना कॉन्सेंट्रेशन रखूंगा तो इतनी मोलर कंडक्टिविटी होगी। शुरुआत में मैं देख रहा हूं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, फिर देख रहा हूं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी तो जरा सी बढ़ी, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन और कम कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ी नहीं, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करा फिर जरा सी बढ़ी, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम करा तो एकदम से बढ़ गई, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर मुझे कोई प्रॉपर कर्व नहीं मिल रहा है, सो देयरफॉर हम यहां पर बोलेंगे दैट इन केस ऑफ, हम यहां पर बोलेंगे जैसे मान लो तुमने यहां पर एसेटिक एसिड ले लिया CH3COOH, तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इनिशियली द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, बट अपॉन रीचिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचते हैं द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एब्रप्टली, एकदम एब्रप्ट तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर अब आप देखो उस ग्राफ को तो फिर भी मैंने ऐसा 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 समझ के आगे बढ़ा दिया था, यहां कहां बढ़ाऊंगा, यहां तो ये हवा में चला गया, ये यहां तो हवा में चला गया, अब यहां पर क्या मैं ऊपर छत पे जाऊंगा कि इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने, सो देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, सो देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, आप इस ग्राफ के लिए कोई भी इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, तो इसके लिए फिर हमें एक मसीहा मिले जिनका नाम था कोहल रोश लॉ। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, अब हमारे पास में एकदम नई नवेली चीज आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोहल रोश लॉ, एकदम ब्रांड न्यू चीज आ गई मेरे सामने जिसका नाम क्या है, कोहल रोश लॉ। कोहल रोश लॉ ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि अगर मान लो तुम्हें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है और उस इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, तुम्हें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट की
मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये पता लगाना है कि उसके जो केटायन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तुम्हें पता लगाना है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके एनायंस की कितनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके केटायन की कितनी है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके एनायन की कितनी है, और जब आप उन दोनों को सम कर दोगे आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी आपके इलेक्ट्रोलाइट की। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एन आयन, और ये मोलर कंडक्टिविटी कहां पर है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये भी कहां पर है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। अच्छा यहां पर n क्या है, n इज देयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, और यहां पर n क्या है, यहां पर n है तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स किसके, आपके केटायन के, दिस इज योर कोलरॉश लॉ, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका कोलरॉश लॉ। ठीक है, क्या ये कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी, क्या हम लोग कोलरॉश लॉ समझ गए? सो कोलरॉश लॉ कैन बी डिफाइंड एज, कोलरॉश लॉ कैन बी डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट will be equal to the sum of molar conductivity at infinite dilutions of their individual ions अब आपके मन में ख्याल आएगा कि कोलरॉश लॉ हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे मान लो यहां पर आपने बोला कि आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, इसका मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, चलो ग्राफ से मिल जाएगी, लेकिन मुझे इसका लेमडा एम नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो सर तुमने निकाल लिया, वीक का कैसे निकालोगे? भाई साहब यही तो मजा आएगा, कैसे? चलो मैं आपको करके बताता हूं। अब कोलरॉश लॉ ने खुद को कैसे अप्लाई करा, कोलरॉश ने बहुत सिंपल सा एग्जांपल उठाया। उन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई बोले दैट आई हैव एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका नाम है CH3COOH, और अगर कोई मुझसे इस पूछता है कि व्हाट विल बी इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, आप मेरे से यही सवाल पूछोगे, मैं बोलूंगा नॉट टू वरी गाइस। आप बोलोगे क्यों भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कोलरॉश बोलेगा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर तीन चीजें लेता हूं, CH3COONA विच इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है तुम्हारा, यह है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला मैं यहां पर एक और ले लेता हूं HCl विच इज अगेन योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और जब मैं इनकी रिएक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा NaCl विच इज अगेन योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और मुझे यहां पर मिलेगा CH3COOH विच इज योर
वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एक बात बताइए, क्या आप इस मेथड से आप एक मोल, आप यहां पर आपका एक मोल सबसे पहले CH3COONA ले लीजिए, आपका एक मोल, और उसको यहां पर मार्क कर लीजिए। फिर इस एक मोल को आप वॉल्यूम बढ़ाकर 0.1 मोल ले लीजिए, यहां पर आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। फिर आप इसको 0.001 मोल ले लीजिए, आपको यहां पर मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। फिर आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दीजिए और मैथमेटिकली ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको तो इससे CH3COONA की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर आपको CH3COONA की वैल्यू मिल गई, CH3COONA की आपको यहां पर वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? मजा आया? तो गाइस एक सेकंड में चेक कर लूं कि अगर मेरे पास में इसकी वैल्यू लिखी हो तो मैं आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखवा दूंगा। अगर नहीं मिली मुझे तो मैं आपको इसकी कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखवा दूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सको। वैसे मेरे ख्याल से यहां पर CH3COO की 40 और Na की 50 है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू 90 मान लेते हैं। HCl के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी है? HCl के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू 349 और 76, यानी कि 5, 7, 8, 9, 11, 12 और 1, 412 मान लेते, चलिए लगभग 412 मान लेते हैं। NaCl के लैम्डा एम नॉट में Na की वैल्यू 50 और Cl की वैल्यू 76, यानी 7 और 5 12, 126 मान लेते हैं। तो आपको इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बस ये इक्वेशन फॉलो करो, ये हो जाएगा 90 प्लस 412, और क्योंकि ये NaCl प्रोडक्ट साइड से उठाकर तुम्हें रिएक्टेंट साइड ले जाना पड़ेगा, -126, दैट विल बी इक्वल टू CH3COOH का लैम्डा एम नॉट, यानी इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमने देखा कि इसमें क्या क्या कॉमन है, CH3COO वो मुझे यहां से मिल गया, H मुझे यहां से मिल गया। तो अब हमने यहां पर क्या करा, इसका सम किया तो कितना हो गया, 29 प्लस 110 502 माइनस 126 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH। यहां पर ये बचा 6, 9 में से 2 गए तो बचा 7, और 4 में से 376 विल बी द वैल्यू ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर दिस कंपाउंड। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। भाई ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो क्या तुमको केस समझ में आया? क्या तुम लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, क्या तुम लोगों को ये केस समझ में आया कि किस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा? तो चलिए हम लोग एक एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाकर कॉलरॉस लॉ के क्वेश्चन को करके देखेंगे। आपको यहां पर CaCl2 का लैम्डा एम नॉट निकालना है, और MgSO4 का भी आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है, और आपको यहां पर Mg डाई पॉजिटिव के लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे रखी है 106, तुम्हें यहां पर SO4 डाई नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 160, तुम्हें यहां पर Ca डाई पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है 119, और तुम्हें यहां पर Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 76.3। चलिए कीजिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखो, क्या आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? जस्ट चेक इट वंस। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca डाई पॉजिटिव आयन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स
इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और आपको इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन से मिल गई 119 प्लस। बेटा यहां पर क्लोरीन के दो मोल्स हैं, देखो क्लोरीन के दो मोल्स हैं। मैंने आपको यहां पर कॉलरॉस लॉ के स्टार्टिंग बताया था, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर क्योंकि इसके दो मोल्स अवेलेबल है, मैं लिखूंगा 2 और एक मोल सीएल नेगेटिव की वैल्यू है 76.3। तो 119 प्लस 3 2 6 6 2 12 1 कैरी 7 152, यानी 0.6 9 11 कैरी 5 6 7, 271.6 इसका आंसर होगा। 271.6 विल बी द आंसर, यूनिट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम लोग mg की तरफ चलते हैं। भाई mg का तो सिंपल सा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ mg डाई पॉजिटिव का लेमडा नॉट प्लस लेमडा नॉट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 डाई नेगेटिव, इसकी वैल्यू 106, इसकी वैल्यू 160, टोटल आ जाएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो क्या घटिया क्वेश्चंस नहीं है ये, इजंट इट अ टिपिकल घटिया क्वेश्चन। चलिए अब आज हम लोग इस पार्ट को राइट नाउ यहां रोक रहे हैं। अब क्योंकि इस कॉलरॉस लॉ पर और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने पर, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज आप इतना नोट करके रखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।